हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और हम भी एकदम अच्छे से हैं। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं लगभग अभी 4 से 4:30 के बीच का टाइम हो रहा है। और शाम के 4 बजे से मैंने अपने ब्लॉग की है शुरुआत। तो मॉर्निंग में तो देखो टाइम मिल नहीं पाता है कि कैमरा भी उठाए, घर के इतने सारे काम होते हैं तो बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो अभी मैं फ्री भी हूँ। फ्री भी क्या हूँ कि बस खेतों की तरफ जाने की तैयारी है, तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले आप सभी को इगास की बहुत सारी शुभकामनाएँ। आज है 12 नवम्बर और आज है इगास। तो इगास यानी कि क्या कहते हैं, तो एकास यानी कि दिवाली के 11 दिन बाद जो है फिर से दिवाली की तरह ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसे हमारे पहाड़ों में इगास बोलते हैं और उत्तराखंड का लोक पर्व त्यौहार है इगास। और कहते हैं कि दिवाली के जब राम भगवान जी वनवास पूरा करके आए थे तो अयोध्या में, तो उसी दिन दिवाली मनाई गई थी। तो जब और उत्तराखंड में जो है ना 11 दिन बाद ये खबर पता लगी थी, तो इसलिए उत्तराखंड में जो है 11 दिन बाद इगास मनाई जाती है, यानी कि दिवाली की तरह ही मनाया जाता है। मतलब कि उसमें दिए वगैरह भी जलाए जाते हैं और हम जो पूरी पकौड़े सवाले बनाते हैं तो दिवाली के टाइम पे, वो भी हमने आज ही बनाए थे, मॉर्निंग में बनाए थे, अभी हम शाम के टाइम पर भी बनाएंगे। और जो भैलो हम खेलते हैं हमारे उत्तराखंड में, तो बहुत सारे लोग जो उत्तराखंड से, उन्हें पता होगा कि भैलो किसे बोलते हैं, जो होते हैं ना छिल्ले होते हैं ना, उनको रस्सी से, मतलब रस्सी क्या, मतलब कि एक वो होता है मतलब बेल टाइप की होती है, उस पर उसको बांध करके ना फिर ना खेला जाता है। तो पहले बहुत खेलते थे, अब तो खैर पटाखे वगैरह इतने सारी नए नए पटाखे और अलग अलग वैरायटी के हो गए हैं, तो लोग ना पटाखे वगैरह ज़्यादा जलाते हैं और भैलो कहीं कहीं खेला जाता है। पहले हमने भी बहुत खेला हुआ है भैलो छोटे थे जब। तो फिलहाल जो है अभी खेत में जाने की तैयारी हो रही है और आज ना तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी भी है, तो उसकी भी आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। और बाकी मेरे YouTube फैमिली को मुझसे ना बहुत सारी शिकायतें हैं कि मैंने 10-11 दिन तक व्लॉग नहीं डाले। तो मतलब मेरा जो दिवाली वाला व्लॉग था वो अभी मैंने अपलोड किया है 1-2 दिन पहले, तो इतनी लेट, उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि रितिका जी अब तो आपने हद ही कर दी है कि दिवाली कब हो गई थी, 11 दिन बाद 10 दिन बाद आप व्लॉग डाल रहे हो। तो ऐसा है कि जब दिवाली हमने सेलिब्रेट की थी, फिर उसके बाद दिवाली की भी मैंने 2 व्लॉग बनाए थे, जब ऐसे कमेंट आए तो मैंने दूसरा वीडियो नहीं डाला। मैंने फिर सोचा कि छोड़ो यार, अब बहुत लेट हो गया है, तो दूसरा व्लॉग हमने नहीं डाला। और दूसरी बात, जब हमने दिवाली सेलिब्रेट की थी, फिर उसके बाद जो है हम शादी हमने एक अटेंड करी थी, उसका भी मैंने व्लॉग डाला हल्दी हाथ का। तो उसके बाद ना काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, हमें खांसी जुकाम ऐसे, और कभी आदमी की तबीयत ख़राब, कभी मेरी। तो इस वजह से जो है मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। और अब उम्मीद करती हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि अब मैं आगे कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी। तो फिलहाल चलते हैं खेतों की तरफ और इसीलिए आप सभी से माफ़ी भी मांगते हैं कि इतना लेट जो है मेरा वीडियो आया दिवाली का, और उसमें बहुत सारे कमेंट भी आए थे भाई। तो चलिए चलते हैं अब खेतों की तरफ। और भाई खेतों की तरफ आजकल जो है ना गेहूँ बोए जा रहे हैं, तो खेत भी साफ़ करे हमने कल। और अभी देखो नीचे की तरफ हमारे खेत में ही बैल है, तो वहाँ चलते हैं। बाकी चाची भी लगी है खेत साफ करने में, थोड़ी देर में यहाँ पे बैल आएंगे, है चाची? अभी कब आएंगे? अच्छा, आ टाइम नहीं ना, कम टाइम ना, यहाँ पे कल आएंगे। तो चाची भी ऐसे खेत साफ करने में लगे हुए हैं, जो पहले की फसल थी वो काट दी है और अब जो खरपतवार होती है ना उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको जला देते हैं और फिर नई फसल बोने की तैयारी हो रही है। यानी गेहूँ, जौ, मसूर की जो दाल होती है वो वाली फसल बोई जा रही है इस टाइम पे। और अक्कू भी आई हुई है खेतों में, कल तो आदविक भी आया था लेकिन आज ही लेके आए हम आदविक को, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है और आदविक ने परेशान भी करता है। तो ये वाली दोस्तों हमारी खेत है, कल हमने यहाँ पे पूरा साफ़ किया था और नीचे नीचे जो हमने राजमा बोई थी ना, तो उसमें जो हमने लगाई थी झगड़े लगाए थे, तो ये सूख गए नहीं लकड़ियाँ, तो अब हम इनको जलाएंगे, इकट्ठे कर रहे हैं, घर ले जाएंगे। और बाकी नीचे वाली भी हमारी खेत है, तो यहाँ पे हल लग रहा है और लगा रहे हैं आयुष पवार देवर जी लगा रहे हैं, आर्यन भी है और पतिदेव भी हैं। आप लगाओ ना, मैं भूल गया हल लगाना है। ये देखो कह रहे मैं भूल गया, शर्म भी नहीं आ रही ऐसे बोलते हुए कि मैं भूल गया। पहले मैं बहुत लगा था बचपन में, तब तो झूला। अगर किसान ऐसे बोले कि मैं हल लगाना भूल गया तो क्या जचती है बात? माँ ये झूला भी झूलते थे। हैं? मैं कोई किसान है क्या? किसान नहीं है तो क्या है, किसान नहीं है तो क्या लगाने वाले लोग चलता मत देख।
मतलब पतिदेव कह रहे हैं कि चलो मैं भी लगा। हाँ तो ये तीन दिन से हल लगा रहे हैं और अभी इन्हें पता एक दो दिन और लगाना पड़ेगा है नी। हाँ, दो दिन और है। ने वीडियो बने दिया है तुम्हारा अभी अभी तो ये एक उंगली चच्ची हो रही है मुंगे हां सारे एक दिन वाला जाना तुम्हारा बाबा देखना हाल में उग जाएगा इंटरेस्ट अच्छा मैं चल नहीं होए कौन खींचा एक तो कौन खींचा जाने सीधा चल क्या नाना मैं जानी केबनी अरे टेट ना मार के रुक ना मैं बस कोनी रखो भूत लग जानी ये है दोस्तों यहाँ पे तोर की जो दाल होती है ना उसका पौधा है और एक ही पौधा है। पिछली बार ना ऐसे नीचे नीचे की साइड मम्मी ने बोई हुई थी लेकिन इस बार जैसे तो दाना झड़ गया होगा ना खुद से हो गई है। अभी इसमें ना फलियाँ आई हुई है और फूल भी लगे हुए हैं। ये फूल मुझे चाहिए। बाकी जो है ना मम्मी भी खेतों में आई हुई है कुदाल लेकर के और इस वाले खेत से ना थोड़ी थोड़ी हल्दी निकल रही है कहीं कहीं पे अरबी निकल रही है तो इसको साफ करते हैं। आइए साफ कर फटाफट लिया तो उसे ही डंडा पड़ेगा। अरे वो ये निकल रही है दोस्तों यहाँ से हल्दी और हाँ हल्दी तो हम ऐसे निकालते हैं। पहले हल्दी को साफ करेंगे वो अच्छे से पानी में धो के फिर हम इसको उबालते हैं दोस्तों और उसके बाद हम इसे कद्दूकस करते हैं फिर सुखाते हैं फिर इसका पाउडर बनाते हैं। तो मैंने एक बार वीडियो में ऐसा दिखाया था तो काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि आप हल्दी को बॉयल क्यों कर रहे हो आप इसको ऐसे ही सुखा के गांठ जैसे ऐसे सुखा करके फिर इसको पिसवा सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ ना ऐसे नहीं करते। हमारे यहाँ इसको बॉयल करते हैं और फिर कद्दूकस करते हैं फिर इसका पाउडर बनाते हैं। तो ये इतनी सी हल्दी यहाँ पे निकली है क्योंकि पिछली बार लगाई होगी ना तो वही यहाँ पे निकली है और इसको साफ करते हैं। ये देखो इतनी मिट्टी चिपक रखी है इसमें क्योंकि जमीन के अंदर रहते हैं बाहर थोड़ी ना रहते हैं जो गंदगी नहीं रही। यस बहुत अच्छी बात बोली आपको ने ये है अरबी और तक वो नहीं है अक्कू से मिलाते हैं बहुत टाइम के बाद आपको अक्कू से मिलाते हैं। अक्कू हेलो हाय करो। मैं भी जाऊंगा। पहले हेलो हाय करो। हेलो हाय करो। नमस्ते दोस्तों अभी ना हमने खेत में आ रखे और कल अद्दू आया था पर आज नहीं आया क्योंकि ना मम्मी उसे नहीं लाई और पहले ना वो वहाँ पे तो कुछ नहीं है पर यहाँ से वो गिरेगा इसलिए आए मम्मी नहीं लाई। इतने दिन तक व्लॉग क्यों नहीं आया अक्कू आप कुछ कहोगे? पेड़ पे जाऊँ। अक्कू आप कुछ कहोगे इतने दिन तक वीडियो नहीं आई कुछ बोलोगे आप? क्योंकि मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली थी उसमें मैं सो रही थी। जी ये क्या है? तो अभी दोस्तों मैंने ना पूरी हल्दी को साफ कर दिया है और अब घर ले चलते हैं हल्दी को। बाकी वहाँ पे लकड़ियाँ रखी है ये मैं घर लेके जाऊँगी और नीचे वाले खेत में हमारे हल भी लग चुका है। बाकी मम्मी से जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा रह गया वहाँ मम्मी कुदाल से कर रहे हैं और चलते हैं अब घर। तभी दोस्तों टाइम हो चुका है रात के ना 7:30 हो चुके हैं और बाकी हम लोगों ने जो है दिए वगैरह भी जला दिए हैं। लड़ियाँ तो हमारी जलती रहती है दिवाली वाले दिन से और वहाँ पे हमने कैंडल लगाई ऊपर की साइड लगा रहे हैं ना तो क्या है ना हवा से ना बुझ जा रहे हैं और अभी पतिदेव की तैयारी हो रही है अनार जलाने की। जलाओ बाकी बात में जलाएंगे कहाँ आए मुझे लग रहा है ये तो जरा सा जला बस छोटा है। लाओ फुलझड़ी लाओ फुलझड़ी और आधी ना डर के मारे आधी को डर लग रहा है। अब ये फुलझड़ी है आधी पटाखे कैसे कर रहे हैं भटम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं भटम कर रहे हैं पटाखे लाओ मैं जलाती हूँ। क्या हुआ अभी आ गया मम्मी चल बाहर चल।
ये तो झेला ही नहीं। मम्मी वो नीचे के रखो, वो देखती हूँ क्या। अकू मत जाओ आगे, फुलझड़ी लेके आ। फुलझड़ी आ रही है। आदि तो डर रहा है यार। आदि डर क्यों रहा है? अबे अबे एक ही बच रहा। आदि को लग रहा है डर। और हम जो लाएंगे अनार। ये तो ठीक भी है माँ। अभी कौन सा नारा बनाएंगे? पापा चलाएंगे उसको। पापा डांटेंगे फिर तुझे। तुझे फुलझड़ी जलानी है तू? नहीं। पक्का?